राजधानी में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रोड शो पुराणा भुवनेश्वर से रोड शो कर भोटर पाखे पहुंची नड्डा बारिक साइड रोड शो आरंभ हो लिंगराज मंदिर पर्यंत यह अनुष्ठित दलय कर्मी सहित विशाल रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन करते जेपी नड्डा कनक न्यूज को एक्सक्लूसीव साक्षात्कार एथर ओडिशा रे निश्चिंत सरकार गढ़ बीजेपी सरकार निश्चिंत बदल लोकसभा एकतरफा विधानसभा पूर्ण बहुमत हासिल कर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी रो राष्ट्रीय अध्यक्ष का रोड शो भुवनेश्वर रे रोड शो करुछंती बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एवं रोड शो करी भुवनेश्वर संसद प्रार्थी अपराजिता षडंगी एवं एकाम निर्वाचन मंडल प्रार्थी बाबू सिंह लगी वोट भिक्षा करुछंती सहित अच्छा बीजेपी रो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। सर जी निर्वाचन के लिए क्या माहौल है आपका, क्या क्या माहौल देख रहे हैं? साफ यहाँ पर बदलाव का माहौल है। लोकसभा में भी भारतीय जनता पार्टी सभी की सभी सीटें जीत रही है और मोदी जी के काम पर और मोदी जी को यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार बैठाने का उड़ीसा की जनता ने संकल्प ले लिया है और यहाँ प्रदेश में एक तरफा फैसला बीजेपी को आशीर्वाद देने का बन बनाया है और बीजेपी को भारी मतों से, दो तिहाई मतों से ज्यादा वोट से भारतीय जनता पार्टी को सरकार में लाने का मन बनाया है। नवीन बाबू को लोग आराम देना चाहते हैं और यहाँ ये जो प्रशासनिक व्यवस्था में जकड़ा हुआ प्रशासन है उससे निजात दिलाना चाहते हैं और चाहते हैं कि एक स्वस्थ, एक सक्रिय मुख्यमंत्री नौजवान हो जो उनकी सेवा कर सके और दैनंदिन जीवन में परिवर्तन लाने में वो अपना योगदान कर सके। सर, देखा जाए तो कुछ दिन पहले बीजेपी का अभिमुख्य ऐसा नहीं था, दो महीने पहले जो अभिमुख्य था वो बदल गया है। वो राज्य सरकार के विरुद्ध आपका जो टारगेट है वो क्यों ऐसे दो महीने बाद कैसे बदल गया? ऐसा है, ये आपके लिए दो महीने बाद बदला है, हमें बहुत पहले दिख गया था और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने अकेले जाने का निर्णय लिया और ये बताता है कि हमें उड़ीसा की जनता की आवाज समझ में आ रही थी। लोग, जनता जब चुनाव घोषित होते हैं तो उसके बाद अपना मन बनाते हैं। राजनीतिक दलों का काम है कि उनके मन को पहले पहचान लेना और वो भारतीय जनता पार्टी ने बखूबी पहचान लिया। अभी तो निर्वाचन चल रहा है तो देखा जाए तो कितने सीट से आप आने वाले हैं जो सरकार में और फेज पे बताएंगे, लेकिन हम बहुमत की ओर बढ़ रहे हैं। उड़ीसा में डबल इंजन का सरकार होगा? बिल्कुल डबल इंजन की सरकार होगी। लोकसभा में भी एक तरफा हमारे को सीट मिलेंगी और विधानसभा में भी हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। देखा जाए तो बीजेडी यहाँ पे कह रहा है जो बहुत सारे केंद्रीय नेतृत्व आ रहे हैं मगर यहाँ का जो एक सीएम नवीन पटनायक जी का एक ही है जो सबके बराबर में है। ठीक है ना, उनका कहना, वो अपनी पार्टी के बारे में बोलेंगे ही, पर काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। हो गया, धन्यवाद। आम सहित आलोचना करुले बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एवं राज्य में बीजेपी सरकार आसीब एवं केन्द्र तृतीय थर पर मोदी सरकार करेंगे एवं प्रधानमंत्री हे। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन मनोज कसह देवाशिष मल कनक न्यूज।